हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कैसे बनता है चॉकलेट रोल। तो दोस्तों इसको मैंने बेल लिया है, देख सकते हैं किस तरह से, और बेल लेने के बाद तबक साथ में हमारा दोस्तों काट देंगे। कटिंग करके दोस्तों इसमें काजू चिपका करके चॉकलेट भी हमारा तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला, चलिए देखते हैं कैसे बनता है चॉकलेट रोल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनता है चॉकलेट बर्फी। दोस्तों व्हाइट घाटी में मीठा खोआ को बेल करके दोस्तों उस पर चॉकलेट का लेयर देख रहे दोस्तों, कटिंग करके उसको दोस्तों बनाते हैं चॉकलेट बर्फी। दोस्तों खोआ आइटम में दोस्तों जैसे बता चुके हैं आपको कि खोआ आइटम का बहुत ज़्यादा आइटम बनता है दोस्तों, और अनेकों आइटम बनता है। तो आप जैसा क्वालिटी का माल बना रहे हैं उस तरह से नाम दे सकते हैं। हो सकता है आपको ये नाम मेरा पसंद नहीं आए हो, लेकिन ये चॉकलेट बर्फी है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसका नाम रखे है, और चॉकलेट का लेयर इस पर दोस्तों खाने भी मज़ेदार है और देखने में बेहतरीन बर्फी है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे दीपक का लाइव में। दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे कैसे बनता है चॉकलेट बर्फी। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो लगा अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने हमेशा बताया है कि किसी भी खोआ आइटम को बनाने के लिए सबसे पहले मीठा खोआ या घाटी को हम गर्म कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों चॉकलेट को भी गर्म कर लिया, व्हाइट को भी गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हमने व्हाइट को बेलना स्टार्ट कर दिया। अब देख सकते हैं किस तरह चौपाल बेलेंगे दोस्तों, और एक रंग होना चाहिए पूरा स्लिम, एकदम एक रंग बेलाना चाहिए प्लेन दोस्तों। उसके बाद बेलने के बाद दोस्तों जो हमने चॉकलेट को गर्म करके रखा है दोस्तों, उसको पतला कर करके ठोक ठोक करके दोस्तों इस व्हाइट वाला ऊपर चिपकाना है दोस्तों। ये प्रक्रिया बार बार करते करते पूरा ब्लॉक कर देना व्हाइट को दोस्तों, और पूरा ऊपर चॉकलेट कलर आ जाएगा। ये प्रक्रिया दोस्तों करने देने के बाद दोस्तों इसमें तबक चिपकाएंगे। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बताएंगे कैसे बनता है चॉकलेट रोल। तो दोस्तों लगभग हमने इसमें चॉकलेट कलर डाल दिया है, चॉकलेट घाटी डाल दिया है। ये एक मीठा खोआ ही है दोस्तों, इसको चॉकलेट घाटी बनाया जाता है। मैं बनाने के वीडियो शॉर्ट वीडियो में बना के डाल दूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पूरा ब्लॉक कर दिए हैं, ब्लॉक करने के बाद उसको पूरी अच्छी तरह से लॉक करके प्लेन कर देंगे दोस्तों। अच्छी तरह से बेलन से बेल लेंगे, और बेल लेने के बाद दोस्तों इस पर तबक चिपकाएंगे। आप देख सकते हैं कि तबक किस तरह से चिपका रहे हैं। तबक चिपकाने के बाद दोस्तों इस पर पेपर मार देंगे, ताकि जितना भी तबक है या रुई से चाँप देंगे, जितना भी तबक उखरा उखरा है सब तबक बैठ जाएगा। तबक का दोस्तों एक फ़ायदा होता है, कीटाणु टाणु नहीं लगता है मिठाई में, मिठाई का लाइफ थोड़ा सा बढ़ावा रहता है और सुंदरता भी बढ़ाता है दोस्तों तबक मिठाई का। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से हमने कटिंग कर लिया है चॉकलेट बर्फी को। चौपाल काटना है दोस्तों लगभग एक बाय एक, एक इंची बाय एक इंची का चौपाल काट लेना है दोस्तों। कटिंग कर लेने के बाद दोस्तों इसमें काजू चिपकाएंगे, थोड़ा सा पिस्ता बादाम दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा चॉकलेट बर्फी और भी ज़्यादा खूबसूरत देखने मिलेगा। जैसा कि आपने देखा पिस्ता का हमने कटिंग करके रख लिया, पिस्ता बादाम को, और ये काजू को भी फ्राई करके रख लिया है। फ्राई करके उसको छोड़ा लिए दोस्तों, एक का दो कर लिए, और उस पर चिपकाएंगे दोस्तों बर्फी पर। दोस्तों मैं जो भी मिठाई बताता हूँ दोस्तों दुकान के सिस्टम से बताता हूँ या बनाता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों बना करके मिठाई को ट्रेल में डालना होता है, ताकि काउंटर में जाए और वहाँ से आसानी से बिक पाए दोस्तों। तो देख सकते हैं किस तरह से हमने कटिंग कर लिया है, और कितना बेहतरीन दिखने में लग रहा है दोस्तों। व्हाइट चॉकलेट देखने में सुंदर है और खाने में बेस्ट है दोस्तों। तो देखिए किस तरह से हम ट्रेल को सजाएंगे, अच्छे से अच्छे स्टाइल में सजाना होता है ट्रेल में, ताकि आकर्षित लगे, लोगों को पसंद आए देखने में। ये होता है ट्रेल में सजाने का दोस्तों, वजह सुंदर देखने में लगे, लोग आकर्षित होकर के आराम से ले पाए। तो दोस्तों यही प्रक्रिया करते करते हम पूरा ट्रेल को भर लेंगे दोस्तों। ट्रेल को भर लेने के बाद दोस्तों इस पर काजू चिपकाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से चॉकलेट बर्फी में काजू चिपका रहे हैं, काजू चिपका रहे हैं दोस्तों। काजू से होता है कि बर्फी का सुंदरता ही बढ़ जाता है दोस्तों, और लोग आकर्षित होते हैं, और काजू तो वैसे भी फायदेमंद है, और फ्राई काजू दोस्तों तो और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये वजह होता है दोस्तों, और कितना सुंदर देखने में हमारा चॉकलेट बर्फी लग रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी इसमें पिस्ता बादाम देना बाकी है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, या नेक्स्ट आप कौन से मिठाई का वीडियो बनाना है दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चॉकलेट बर्फी लगभग तैयार हो चुका है, अब इसमें पिस्ता बादाम देने का काम करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं पिस्ता बादाम दे रहे हैं, पिस्ता बादाम डालने के बाद दोस्तों और भी ज़्यादा सुंदर देखने में लगने लगा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की रेसिपी पसंद आया, चॉकलेट बर्फी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों लगा वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।